तो रखी है रील में देखेगा सिर्फ तुम ऐसे नजारे, ये है रियलिटी या सिर्फ मेरे ब्लॉग में। अर्जित भाई बताएंगे क्या हो गया। ये तो बहुत महंगा है, वेटर भी ड्रेस में है। ओए गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड टुडे इज़ 11 अप्रैल हो गई है आज। और अभी नहा धो के रेडी, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की कमी के लिए हमने खोल दी है विंडोज़, और विंडोज़ के बाहर के नज़ारे आप देख ही सकते हैं कुछ ऐसे हैं, सामने भी कुछ ऐसे हैं। तो अभी क्या है कि नहा धो के रेडी हो गए और आज है हमारा शिमला जाने का प्लान। तो अभी शिमला जाने के लिए नहा धो के रेडी और वही कल वाले कपड़े डाल रखे हैं, नो चेंज चेंज हुए तो बस हमारे जूते। तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं बाद में आपसे आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग, मयंक बाटला व्लॉग्स। आज उनकी तरफ से फिर से हम व्लॉग बना रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ धर्मपुर हिमाचल। यहाँ पर हमारी टॉय ट्रेन आने वाली है, अभी मैं चले गए यहाँ पे, डेस्टिनेशन में मिलने वाले हैं। अब दो दो आइटनरी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, अलग अलग टीम बांट ली हम लोगों ने। दूसरी है पार्ट टू की अपडेट तुम्हें वहीं उसी के द्वारा मिलेगी, पार्ट वन की अपडेट मेरे से मिलेगी। थैंक्स, बाय। हमारे हर्षित भाई और ये निशांत भाई हैं, बताओ जरा कहाँ गए थे आप? ट्रेन में गए थे। ओए हे, नीचे उतर जा, पब्लिक के लिए। इधर आ, इधर इधर आ। ये बता कहाँ गए थे सुबह तुम? हम गए थे टॉय ट्रेन में पब्लिक के लिए एक्सपीरियंस शूट करने। पब्लिक के लिए एक्सपीरियंस शूट हो गया शूट? हाँ। ठीक है, मैं ना क्लिप्स डाल दूंगा, दिखाऊंगा कैसे एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस। तो भाई अभी हम लोग इन्हें लेके बड़ौक तक किन की टॉय ट्रेन थे, कहाँ से? धर्मपुर से बैठ गए आगे। बैठ गया। अबे और ये जाम लगा हुआ है भाई, यहाँ पे वापस जा रहे हैं अपने होटल पे, इन्हें चेंज वेंज करना है, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, टाइम हो चुका है। अभी हमें शिमला भी निकलना, पता नहीं कब तो निकलेंगे, कब क्या होगा। तो बस बैठे हैं जाम में, वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं, है ना। गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ निकल चुके हैं बताओ गाइस, मैं लोकेशन दिखाऊं। हम लोग निकल चुके हैं भाई शिमला, शिमला के लिए टाइम हो चुका है अभी हमारा 10:20, लेट करवा दिया, अभी तक तो हमने कुछ खाया भी नहीं है भाई। तो अभी रास्ते में कुछ खाने पीने का देखेंगे, अभी चल रहे हैं शिमला, डायरेक्ट गाड़ी ले गई शिमला। चलो भाई भाई, हम लोगों ने छोड़ दिया है सोलन पीछे, जस्ट अभी ये पीछे जो दिख रहा है, दिखाओ भाइयों को, ये है हमारे सोलन। अब हम लोग जा रहे हैं आगे शिमला की तरफ, ये पहाड़ छोड़ के सोलन के, थोड़ा सा जैम है, मतलब सिंगल लेन रोड हो जाती है तो ऐसे जैम आ जाता है, वैसे तो कोई इशू नहीं है। गाने चल रहे हैं बढ़िया, मैप चल रहा है बढ़िया। बात
अभी 5 वगैरह में चली है जब से पहाड़ों में चढ़े हम, अब लगा 5 वगैरह तब से, वरना तो हमें हाईवे नहीं मिल रहे थे। अभी हाईवे इतने प्यारे हैं कि गाड़ी आप देख सकते हैं कितने पे टर्न कर रही है, दिखा दो तो मुड़ गई तब मुड़ गई कि आप थोड़ी स्लो कर लेते ना, देखो जैसे ये कल आए थे हम यहाँ पे मोहन मेना मेनकिन लिमिटेड है ना, नहीं तो भाई हम लोगों के हैं यहाँ पे अनीश ढाबा, अनीश ढाबा अपना होटल अपना ढाबा, रंजीत रंजीत कहाँ है, रंजीत बंद है, इस पे रुके हैं भाई कैसे। तो भाई अभी यहाँ पर रुके हैं अपने कुछ लंच वगैरह करने के लिए, ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं था, ब्रेकफास्ट के टाइम है वैसे लंच ब्रेकफास्ट ब्रंच हो जाएगा। तो बेसिकली अपना यहाँ पे पहुँच गए, गाड़ी थोड़ी अंडर पावर्ड है ऑब्वियसली, तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, मिलते हैं बाद में आपसे आगे। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे खाना वाना खाने, जो हमने बताया था यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना था, काफ़ी अच्छा, अभी आज चल रहे हैं और चलते सीधा शिमला की तरफ, अब गाड़ी रुकेगी सीधा शिमला, यहाँ से बैक कर लेते हैं। अबे ये रही तो है कट, हाँ तो सही है। तो भाई अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नज़ारों के लिए हैं कि नज़ारे मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचा एक रेस्ट हो जाएगा, स्ट्रेच ब्रेक और बाकी थोड़े से नज़ारे आ जाएंगे। अभी देखियो कितना सही लग रहा है ये, वो सामने क्या बना रखा है उन्होंने काट के, तो पूरा पहाड़ी काट रखा था हमने तो ऊपर से। अभी तो और ऊपर जाना है हमें भाई, तो अभी यहाँ से इसके पहाड़ घूम के जाएंगे, ये वाला इसके पीछे जाएंगे अभी इस वाले के, बाकी तो सही है सीन। और यहाँ से एक बार कूद जा, जा निशांत एक टास्क है मैं तेल लिए भाई, यहाँ से कूद जा। अच्छा नीचे तो एक खाई दिखा दूँ, तूने खाई नहीं देखी हुई कभी, आ जा देख ऐसी होती खाई नीचे एकदम वैली, देखिए कितना सही है। भाई हम फाइनली मैं बाहर निकाल के देखूँ तो पहुँच गए हम लोग शिमला, ठीक है तो शिमला नहीं, अब निकल रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से कुफरी के लिए, तो अब गाड़ी सीधे रहेगी गाइस कुफरी, शिमला हम घूम लिया, अब आते हुए घूमेंगे तो को घूम, अच्छा तो को घूम लिया, अरे नहीं नहीं सच बोलते हैं, अपने दर्शकों से झूठ बोला जाता है, सॉरी बोलो, सॉरी वेरी गुड। तो भाई क्या हो गया बताओ जरा, क्या कह रहे हो भाई, हम थोड़ा बाद में बताएंगे ये हमने गाड़ी घुसा दी है यहाँ पे, ठीक है चढ़ाई बहुत स्टीप है बहुत, मैं बाहर कैमरा निकाल के दिखाऊं तो चलता रहे। तो भाई जिसका डर था वही हुआ, यहाँ पे हमने पुलिस वालों ने मना कर दिया, कह रहे नीचे से आओ, नीचे से वैसे रोपवे वगैरह भी है, तो सोच रहे रोपवे साथ है, पुलिस वालों को हमने मना करा, हम ऊपर नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है तो हम जा रहे हैं वहाँ, हट जाओ ब्लेनो, आ जा बेटा दिल्ली वाले, अभी घूम जाएगा उल्टा, अभी आएगा उल्टा घूम के, तू भी उल्टा आएगा बेटे, तू भी उल्टा आएगा। चलो तो भाई हम लोग पहले से लगे थे यहाँ पे सड़क के ऊपर, लेकिन अपने नीचे ले लिया फाइनली, शॉर्टकट ज्यादा ही हो गया, लेकिन अभी यार बना ऐसे ही बंद करके रखते हैं ये, कोई नहीं अब चलेंगे अपना देखते हैं रोपे वगैरह से, अभी नीचे लगाते हैं पार्किंग में। चल हाँ ड्राइवर तो हमारे प्रोफेशनल ही थे, ड्राइवर तो कमी कहीं नहीं है, हट जा अल्टो कहाँ पे किस पे। तो भाई हमने फिर से चढ़ा दिए, देखो नजारे देखो बाहर, ये देखो ना बहुत दिक्कत है साइड में रुकने में, इतनी खड़ी थी कितनी जल्दी कितनी ऊंची चढ़ाई कर ली हमने, कैसे आ गई पहाड़ पे, तू आगे से वीडियो बना ले निशांत पकड़ ले, चलो चलो जाओ जाओ सारे खुली पड़ी है, पीछे पकड़ लो कोई नहीं काट पड़ी है। मैं देख रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, सीन ऐसा जहाँ को दिक्कत होगी चार लौंडे हैं उठा के रख देंगे साइड में वो ये
एक और फटाएगा ऐसे एकदम से ना, एकदम से पूरा नीचे नीचे के ऊपर ऊपर ही होगा ऊपर ही है। अच्छा हाँ यार नहीं ऊपर है, अरे कैसे उतर का आ रही है भाई। जहाँ तक हमसे गाड़ी आ पाई, हमने लगा दी गाड़ी, यहाँ पे स्टॉप है बिल्कुल एकदम शांति। ये कहाँ है हम, ये है हम जाकू टेम्पल आ गए जो कि शिमला में ही है। तो हमने सोचा रास्ते में ये था कसौली कह रहा हूँ कुफरी के, तो हमने सोचा रास्ते में यहाँ रुक के चलते हैं। यहाँ ना मस्त है भाई, यहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है और अभी यहाँ पे इतनी शांति है ना, तो यहाँ से ऊपर गाड़ी जा नहीं सकते। यहाँ तक तो हम गाड़ी ले आए हैं, यहाँ से अभी चलते हैं ऊपर पैदल मंदिर में जी। तो भाई गाइज अपडेट ये है कि हम पहुंच चुके हैं जाकू से क्या था जाकू टेम्पल, और यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल ऊपर तक लिया। देखो नीचे तो पेड़ अड़ रहे, लेकिन नीचे नीचे तक सब शिमला मिलो सब नीचे छोड़ दिया हमने। तो अभी चलो आ जा अनसीन दिखाऊँ तुझे। तो अब यहाँ से देखो वेट, भाई यहाँ से वेट लिख रखा है, यहाँ से भी जा सकते हैं क्या? देख यहाँ से पैदल पैदल चलो यहीं से चलते हैं फिर, ये कह रहा था मैं लिख रखा है यहाँ। तो भाई यहाँ से हो गई है चढ़ाई शुरू, थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस ऐसे ही मंदिर तक का। यहाँ पे तो शायद मंदिर अंदर से दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे वो एयरफोर्स का स्टेशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर ट्रैकिंग हल्की सी नाम की, और ये नीचे पूरा शिमला पूरा। तो भाई फाइनली ये है कुछ जाकू मंदिर के दर्शन और नज़ारे। यहाँ पे पहाड़ है काफ़ी अच्छा, थोड़ा ऊपर आते आते ना सांस फूल गई, ऑक्सीजन वैसे ही कम है। नीचे पूरा वहाँ पर शिमला है। तो अभी कैसे भाई? कोई नहीं बोल रहा, मुझे बोलना पड़ रहा है, सांस ऐसी फूल रही है। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर, पूजा वगैरह करते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं और चलते हैं। तो गाइस फाइनली मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से कुफरी के लिए। हल्की हल्की बूंदे आने लगी थी लेकिन अब फिर धूप निकल गई, पहाड़े ऐसे ही मौसम रहता है। तो चलते हैं, देखो गाड़ी पे भी पानी की बूंदे पड़ी है, चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुफरी। गदर की शूटिंग प्लेस। अरे भाई तो भी यहाँ पे सो गाइस अभी हमने लिया यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक। अरे ये कौन सी है भाई साहब, महिंद्रा की गया स्कॉर्पियो क्या? कितने रुपए है, कितने रुपए दिखा रहे हैं? 100 रुपए एक एक आदमी देखेगा 100 में? मेरा तो 100x जूम वाला कैमरा है तो उसका मैं क्या करूँ? कहाँ है मुझे बताओ तो, है कहाँ वही तो जूम करूँ। वाह गाइस वैली देखो आप, सही है, सीरियसली नज़ारे देखो, वाह। ऊपर से दिखाता हूँ यहाँ से कुछ ऐसा, ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज रियलिटी में तो यही है, कोई कुछ भी कह ले। हैं भैया वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो हिमालय का नेक्स्ट लेवल। सो भाई यहाँ पे अपना फोटो वोटो रील्स वगैरह के स्नैप्स वगैरह लेके अपने यहाँ से चल दिए मैं और हम दोनों निकल रहे हैं अब यहाँ से कंटिन्यू आगे। इन्हें तो यही छोड़ देते हैं, देख लगे हुए अभी बैठ गया हम आया उठ के देख के। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अपना कुफरी की तरफ। तो गाइस अभी हम आ गए यहाँ पे फाइनली कुफरी और बिल्कुल एंड तक हमने गाड़ी लगा दी कुफरी में। नीचे रोकते हैं पार्किंग बट हमने कहा रोकर नंबर प्लेट है, हमने सीधी चढ़ा दी, किसी की नहीं रुकी। आगे भी जा सकते थे लेकिन मेन यहाँ पे है चीनी बंगलो वगैरह है, वो एक्सप्लोर करते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है शिमला में आज दिखाएंगे, और जाएगा फील्स लाइक 8 हो रहा है, सही हो रहा है। हमने डाल दिया एक एक जैकेट मैंने भी और सब नहीं डाल दिया ऑलमोस्ट, सब तो सर तो सब भाई ने जैकेट वैकेट नहीं डाली, चला जा यार टें। सो गाइज ये है चीनी बंगलो और यहाँ के पता है नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। बाकी देखो वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है, खुले खुले बादल, मतलब खुले खुले बादल इसलिए खुले बादल तो नहीं होंगे, मौसम मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है। और बाकी यहाँ पे कहते हैं इस बंगले के बारे में मैं अंदर जाके बताऊँगा, अंदर बता भी नहीं सकता, अच्छा स्मोकिंग बना है, शूट तो कर सकते हैं, इसके बारे में अंदर जाके बताऊँगा भाई। मतलब क्या कहना चाहोगे आप शेंकी भाई, ऐसी ठंड ऐसे नज़ारे, चले वापस मेरठ, वहाँ तो आग जल्दी होगी आग यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, पता नहीं बार बार वॉशरूम भग जाए ही, हम तो हो जाए थे, मैंने ना वहीं गई थी, वहीं कल वहाँ नहीं करी इन्होंने, अच्छा खासा वॉशरूम था वहाँ भी। तो भाई ये देखो आप ब्यूटी, तो इसकी खासियत हमारे हर्षित भाई बताएंगे क्या हो गया। ये तो बहुत महंगा वेटर भी ड्रेस में तो देख तो ले अंदर से, यहाँ पे अच्छा मिलिट्री का है बेसिकली, इसलिए आ रहे सर आ रहे, इन्हें बुला लूँ चलो लोकल बियर पूछियो, अच्छा तू आजा ये काम में तू अच्छा है हैं ये ग्रुप होंगे कौन सी है नहीं लिखा तो है अल्कोहल
हम तो 18 से ऊपर है। ओके कोई नहीं कोई नो प्रॉब्लम बड़ी, आ जाओ, नो बियर्स वरना मिल जाती। वो अर्जित भाई अंदर क्यों नहीं गए आप ये तो बताओ। पूरा कहता कहता रिकॉर्ड हुआ है। ये तो बहुत गरीब, ये तो अमीर का इलाका निकलता है, ये तो अनकट जाएगी। अच्छा खासो देखते ही क्या, बुढ़ जा ये तो अमीरों का इलाका है। तो गाइस फाइनली यहाँ से घूम फिर के निकल गए हम, कुफरी में इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं। एप्पल गार्डन कौन सा, कौन जा रहा जाने को? ये कह रहे एप्पल गार्डन, रास्ते में सारे एप्पल गार्डन ही है वो। अच्छा वो जो रास्ते में दिखा था मैं, तो कोई नहीं उसकी वीडियो बना लेंगे, वही एप्पल गार्डन दिखा देंगे भाई। चलो तो भाई अब कुफरी बस यहीं पे घूमे थोड़ा सा, यहाँ पे भंडारा चल रहा था एक्चुअली, नवरात्र चल रहा था, माता रानी का प्रसाद था, तो अभी गाड़ियों में मारते सेल्फ और थोड़ा सा शिमला क्या चलते हैं मेन, थोड़ा शिमला माल रोड वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। कुर्सी नीचे नहीं हो सकती किसकी लग रहा ऊपर, तेरी भाई हाइट भी तो बड़ी है, इसी पे थोड़ी सी लटा ले चाहे। सो गाइस फाइनली पहुंच तो गया शिमला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जैम है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन शिमला माल रोड घूमने के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, शिमला एंटर हो गए, मतलब शिमला इज़ अ काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट मतलब, तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या स्टेट है? स्टेट शिमला। ओह सॉरी, स्टेट शिमला स्टेट है, पागल है तू, शिमला को स्टेट बता रहा है। तो गाइस यहाँ पे रास्ते तो काफ़ी अच्छे हैं, पहाड़ी रास्ते काफ़ी अच्छे, क्या कह रहे हो? पहाड़न भी काफी। तो भाई ये हम जा रहे हैं शिमला, और ये थोड़ा सा गूगल मैप ने कंफ्यूज कर दिया था, माल रोड डाला था लेकिन वहाँ से ना पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के दिखा रहा था, वहाँ से कह रहे उल्टा घुमा लो। तो अब हम लोग ने उल्टा घुमा लिया, एक्चुअली हम लोग ऊपर वाले पहाड़ पे चले गए थे जबकि हमें नीचे वाले पे जाना था। तो टाइम हो गया है अब, थोड़ा सा मैप में सही लगे, 5.8 किलोमीटर पार्किंग में डायरेक्शन लगा ली। समर हिल्स क्या है, चलो देखते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग शिमला पहुंच गए, और यहाँ पे हमने माल रोड पार्किंग में पार्किंग लगा दी है। शिमला से चार बार गुजरे हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, तो गूगल मैप में शिमला से निकल गए थे, पर हमें वो भी घूमना ही हो गया वैसे। तो अभी यहाँ से चलते हैं माल रोड वगैरह घूम लेते हैं, दिन में तो माल रोड घुमाऊंगा मैं दिन में। अब तो शाम हो रही है, देखो अभी मैं दिखाऊँ ना आपको, लोग देखो वहाँ जाना है मैं ऊपर चढ़ाई करके, इससे ज़्यादा चढ़ाई करिए वैसे भाई, ज़्यादा चढ़ाई तो करिए। चलो अभी ये है कुछ नज़ारे यहाँ पे, थोड़ा अभी यहाँ पे शाम का अच्छा लगता है पता, तो मैं वहाँ से ऊपर से ना, हाँ थोड़ा जैकेट हमने फिर भी डाल ली है इसलिए। तो अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी, वैसे तो पार्किंग पेड है लेकिन पता नहीं ओनर से क्यों लिखा हुआ है। अभी किसी वैसी पार्किंग होगी फिर, ये इन्होंने बना दी ओनर सरकारी है, जगह के पैसे हैं बस, सेफ्टी के पैसे नहीं है। सो भाई अभी ऐसे है कुछ मनाली में मनाली कह रहा हूँ शिमला में नज़ारे, मन तो मनाली कर रहा है अर्षित भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये तो कपड़े रखते ही ना होंगे गर्म। हाँ सर कब ठंड पड़ जा रहा है, कल गर्मी थी। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट से, लेफ्ट कहाँ तक छोड़ेंगे नहीं है ये मान लो, छोड़ देंगे नीचे ऊपर छोड़ेंगे। चलो ठीक है, चलो अभी लिफ्ट से हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली इसलिए। सो गाइज यहाँ से एग्जिट हो जाता है हमारा लिफ्ट का, और ये है कुछ माल रोड जहाँ पे एग्जिट होता है, बट अभी चलते हैं आगे की तरफ, इसे एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। तो भाई फाइनली पहुँच गए अपना क्राइस्ट चर्च शिमला, और यहाँ पे देखो टाइम अभी 5:48, ऐसे बंद करिए बोतल को ले। और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो रही है, 1870, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है यार, अभी तो इसी टाइम इतनी भीड़ है तो आगे क्या हाल होगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इधर से व्यू दिखाता हूँ आपको अभी। तो गाइज ये है कुछ नज़ारा पूरा वैली का, शिमला जो है यहाँ से पूरा शिमला दिख जाता है, और एक ये वैली है। तो बाकी तो नज़ारे तो काफ़ी प्यारे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग है ना भीड़ से ज़्यादा है तो दिखा नहीं, पीछे को देखो इतनी भीड़ सी हो रखी है, रील में देखेगा सिर्फ तुम्हें ऐसे नज़ारे, ये है रियलिटी या सिर्फ मेरे ब्लॉग में ये। सो क्या कल भी तो बहुत टाइम लग जाएगा मैं पहुँचने। हाँ तो गाइज अभी हम लोग घूम के ना ये मॉल रोड ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे नीचे से आ गए हैं, पहाड़ी रास्ता ही है ये भी पूरी मॉल रोड, बढ़िया जगह है मतलब मन लग जाता है, हम जैसो का तो होंडे लॉन्डो का तो मन लग ही जावे है। अबे मतलब ऐसा बातचीत सी करते रहो फिर कहीं भी फोटो लेते रहो डाल दूंगा, चल तूने कह दी ना ले जा, तुम लोग ऐसे ही तो ऐसी बात है तो ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ तो कुछ बढ़िया सा लग रहा है खाने पीने का, देखते हैं गाइस कुछ खाते पीते, नहीं तो चलते हैं डायरेक्ट अपने गाड़ी से। गाड़ी से कहाँ तो वहाँ चलते हैं ना, समर हिल्स। समर हिल्स। तो गाइस हम लोगों ने ले लिया, इस बार लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं, यहाँ से ये वॉकिंग वाला है, ये मंडी है जिसे कहते हैं शिमला की मंडी, यहाँ पे मंडी लगती है, यहाँ से नीचे सदर का बता रहे हैं, वहाँ से एक सीढ़ी उतरो डायरेक्ट पार्किंग में, एक सीढ़ी तो उतर के ऑब्वियसली शॉर्टकट मार के आ गए थे, पैदल भी आ सकते थे वैसे लेकिन पहले मैं पता नहीं था, लेकिन ये इंटरनल रोड्स शिमला के कुछ ऐसी हैं।
सो गाइस अब हम फाइनली अपने घर की तरफ बढ़ चुके हैं। घर लगा लिया है, घर का मैप लगा लिया, मतलब कितना टाइम दिखा रहा है, स्टिल बना 30 मिनट्स। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ सीधा, टाइम हो चुका है भाई, लेट हो गया काफ़ी, 7:45 शिमला से निकले हुए, लगभग आधा घंटा हो गया हमें और मैं तो पीछे आके बैठ गया अर्षित भाई के साथ। चलो चलते हैं। शेंकी भाई हमारे कर रहे हैं व्लॉगिंग, मैं मतलब व्लॉग्स के साथ, शेंकी भाई के हाथ में कैमरा है। शेंकी भाई आपको नज़ारे दिखा देंगे थोड़े से, जितने भी हो सकते हैं सामने भी नज़ारे। ओ पहले आगे से देख ले, कॉपी व्यू है, फिर वहाँ पे फोकस करते हैं, टाइम मिल जाए। सही बात है, नीचे देख फिर मंदिर सा है। दिस इज द होल शिमला। भाई हम लोग यहाँ पर रुके, देख सुसु ब्रेक के लिए, दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नजारा दिखाने के लिए मैंने फ्लैश नहीं जलाई थी, फ्लैश ऑफ कर ली। ये देखो जो दिख रहा है ना सामने, ये शिमला है, शिमला है ना सारा, होल शिमला। शिमला बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, सारा ही नाप दिया हमने भी आज में। ऊपर ज़ूम करके अगर वो हनुमान जी जो हाँ जो हल्की सी दिख रही है ना, वो ये जो दिख रहे हैं ना, आज हम वहाँ तक गए थे। अबे नहीं लगेगा फोकस, वहाँ तक उस पहाड़ तक गए थे हम, 10x तो लग गया, वहाँ तक गए थे गाइस आज हम। वो वहाँ पे कौन सा जाखू टेम्पल है, बहुत प्यारा टेम्पल है ये, तो सही था काफ़ी।